इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वसीम रिजवी को लेकर मुल्क भर में एहतजाज किए जा रहे हैं। मुस्लिम माशरे में साबिक शिया व बोर्ड चेयरमैन रह चुके वसीम रिजवी के खिलाफ ज़बरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। वसीम रिजवी ने जिस मौजू को छेड़ा, यकीनन कोई भी मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा भारत के साथ दुनिया में भी इसकी मजम्मत की जा रही है। फिलहाल वसीम रिजवी गायब है और इसके खानदान, इसके भाई, यहाँ तक कि इसके बच्चे और बीवी भी इसकी मुखालफत में आ चुके हैं। खुद शिया होने के बावजूद शिया मसलक के तमाम आइम्मा और जिम्मेदारान ने वसीम रिजवी की मजम्मत की है। कुछ लोगों का कहना है कि इस हरकत को अंजाम देने के पीछे एक साजिश है। शियाओं के कल्ब जवाद ने तक वसीम रिजवी को गिरफ्तार करने की मांग की है। लिहाजा यह हरकत मुसलमानों को लेकर दुनिया में नफरत आमोज तस्वीर बनाने की कोशिश का हिस्सा। यह भी बात काबिल गौर है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी अर्जी पर सुनवाई करेगा? यकीनन नहीं कर सकता। कुछ कानूनी माहिरीन का कहना है कि किसी भी मजहब की किताब को लेकर सुप्रीम कोर्ट मदाखलत नहीं कर सकता, क्योंकि भारत एक मुख्तलिफ मजाहिब का मुल्क है। अगर खुदा न खास्ता इस पर कोई सुनवाई करेगा तो दिगर मजाहिब के लोग भी दूसरे मजाहिब के मजहब किताबों को तब्दील करने की मांग कर सकते हैं। भारत में वसीम रिजवी मलऊन पर लानत मलामत भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि इसने अपनी कब्र बनवा रखी थी, इसे तोड़ा गया है। शिया के मुताबिक कुछ लोग हयात में अपनी कब्र बनाते हैं और इस जगह को अपने लिए महफूज रखते हैं, लेकिन शिया मसलक के जिम्मेदारों ने इसको शिया कब्रिस्तान में ना दफनाने का ऐलान करते हुए इसकी कब्र को भी तोड़ा है। वैसे भाजपा आरएसएस के दलाल के तौर पर इस मलऊन को देखा जाता है और सियासी मुफाद हासिल कराने और मुस्लिम माशरे को बदनाम करने के लिए इस हरकत को अंजाम देने की जरूरत की है। खैर, इसका यकीनन खामियाजा इसे भुगतना पड़ेगा। ऐसा भारत के मुख्तलिफ जमातों मसलक को मशाइख की जानिब से ऐलान किया गया। पूरे देश में एक तरह का गुस्सा देखा जा रहा है। कईयों का यह कहना है कि इसने जिस भी मकसद से किया वो लेकिन बड़ी बात कही है और इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। मुल्क भर में मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कुरान की वो 26 आयतें जिसमें जिहाद की तलकीन की गई है, यह नौजबिल्ला दहशतगर्दी पर आमादा करती है। कुरान का एक एक हर्फ हक है और एक नुक्ते की तरमीम भी कयामत तक मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं कि यह पहला मामला। अक्सर कुरान को लेकर, जिहाद की आयतों को लेकर इस्लाम मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें इससे पहले भी रची गई, पर दुश्मनान इस्लाम को हर दौर में मुंह की खानी पड़ी। आपको इस बात का ताज्जुब होगा कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कुरान की आयतों पर रिसर्च करने की कोशिश की, कुरान में गलतियां तलाशने की कोशिश की, पर जिन्होंने भी ये कोशिश की बजाय गलतियां निकालने के वो मुसलमान हो गए। इतना जरूर है कि यह इंसानी कलाम नहीं है बल्कि रब्बे अज़्ज़ोजल का कलाम है और जो भी इसमें गौर और फिक्र करने की कोशिश करता है वो इसी का हो जाता है। लिहाजा जब से मुसलमानों को इस्लाम को कुरान को दहशतगर्दों से जोड़ने वाले जितने भी यूरोपियन ईसाई मुल्क हैं, वहां दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब के तौर पर इस्लाम को देखा जा रहा है और इसकी वजह कुरान है। आखिर क्या बात है, इसको जितना भी दबाओगे उतना ही उभर जाता है। ये बात और है कि मुस्लिम समाज, मुस्लिम माशरा कुरान नहीं पढ़ता, सिर्फ मोहब्बत है, पर इसे पढ़ना और पढ़कर समझना, दूसरों को समझाना, इस काम को हमने छोड़ दिया है। इस्लाम को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, यहां तक के नाम निहाद मुसलमानों की भी जरूरत नहीं है। जिसने कुरान को छोड़ दिया इसकी अजमत को क्या समझेगा? तभी तो हमारे अंदर वक्ती उबाल उछाल मारता है, वरना तो कुरान के एक एक हर्फ पर, इसके जेर जबर पर मर मिटने का अजर उन्हीं कुरान के शहदायों को मिलता है जिन्होंने इसे समझा, इसे अपने सीने में महफूज किया। हमारे बयानात में वो रौब वो असर नहीं रहा, क्योंकि बोलने वाला और सुनने वाला वो नहीं रहे जो कुरान को मतलूब है, हर हर्फ रहनुमाई कर रहा है। और कितनी बड़ी बात है, कुरान महज उलमा या दीनी रहनुमा का नहीं है बल्कि सारी इंसानियत के लिए उतारा गया है। और कहा गया कि आओ कुरान की तरफ और कामयाबी की मंजिलें तय करो। दुनिया और आखरत की कामयाबी इसी कुरान में रखी हुई है। एक साजिश के साथ पूरी उम्मत को इस मुकद्दस कुरान से दूर किया गया, वरना इस मलऊन रिजवी की क्या मजाल क्या कुरान पर बोले। इसके पीछे जो जमाते तंजीमें हैं इन्हें मालूम है कि अब उम्मत का वो हर फर्द वो वाला नहीं रहा, क्योंकि ये मुसलमान आज कुरान से दूर है। क्या आज मौका नहीं है? आज मौका है। अक्सर मुसलमानों को बड़ा तबका कुरान को नहीं पढ़ता, पर इसी बहाने उन 26 आयतों के कुरान का मुताला करे, कुरान की एक एक आयत के पस मंजर को पढ़े, फिर तब्दीली देखना। माशरा उसी नहज पर चल पड़ेगा जहां कुरान ले जाना चाहता है। अगर कोई हर बात पर सफाई चाहता है तो आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। कुरान की 26 आयतें अगर जिहाद पर है तो यकीन जिहाद का हुक्म है।
और जिहाद फर्ज है, इससे इनकार कुफ्र है। लेकिन इसका पस मंजर, इसके वजूहात, किस वक्त आयतें नाजिल की गई, इसे समझने के लिए हर किसी को कुरान पढ़ने की जरूरत है, मौका है। अगर बहस छिड़ चुकी है तो आओ सब मिलकर कुरान को थामे रखे। हम किसी डिबेट या किसी मुबासे में जाकर कुरान पर सफाई पेश नहीं करेंगे, क्योंकि जिन्हें भी 26 आयतों के बारे में जानना है खुद कुरान पढ़े। और इतना जरूर है कि जो कुरान को हाथ में लेता है उसके सीने को अल्लाह खोल देता है। यकीन नहीं आता तो आजमा के देख लो। इसी बहाने ज्यादा से ज्यादा कुरान की तरफ बुलाए, इसकी तफसीर को पढ़ने की कोशिश करें। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान ना बदला जाएगा। बेलगाम न्यू गांधीनगर मस्जिद में तमाम शहर के उलमा कराम ने सहाफियों से मुखातिब होते हुए वसीम रिजवी के खिलाफ मुतालबा पेश करने का फैसला करते हुए मुकदमा भी दायर करने की बात कही। गांधीनगर और दिगर मोहल्ले से जिम्मेदार अहबाब और दीनी रहनुमाओं ने इसमें शिरकत फरमाई। खासकर मुफ्ती मंजूर मिसबाही, हाफिज नजरुल्लाह कादरी और मुश्ताक अशरफी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इसके बाद डीसी कंपाउंड पहुंचकर मुतालबा पेश किया गया। बेलगाम डीसी को मुतालबा पेश करते हुए वसीम रिजवी पर मुकदमा दायर करने की मांग की गई। वसीम रिजवी ने कुरान की आयतों को तरमीम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। आईने हिंद का हवाला देते हुए तंजीमुल महले सुन्नत बेलगाम की जानिब से कहा गया कि आईने हिंद के आर्टिकल 25 के तहत सभी मजाहिब को अपनी मजहबी किताबें, मजहबी रसूमात और दीन की नशर इशाअत का हक दिया गया, लिहाजा कुरान में किसी तरह की तरमीम मुमकिन ही नहीं और किसी भी खल्फा इस्लाम ने इसकी जुरत नहीं की। माशरे में एक तरह की परेशानी को कायम करने की कोशिश इस मलून रिजवी की जानिब से की गई है। इसने खलीफाओं पर भी इल्जाम लगाए, इसे भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लिहाजा इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ऐसा मुतालबा किया गया। बेलगाम शहर के उलमाए दीन, जिसमें खास तौर पर मुफ्ती मंजूर मिसबाही ने अपने हालात का इजहार करते वसीम रिजवी पर कार्रवाई की मांग की। दिगर जिम्मेदारान में मौलाना अली हुसैन कादरी, मौलाना सरदार अहमद नईमी, हाफिज नजरुल्लाह कादरी, मौलाना मुश्ताक अशरफी, मुफ्ती फैकुल कादरी, मुफ्ती शाहजहान मौलाना अलाउद्दीन कादरी और भी दीनी रहनुमा व जिम्मेदारान इस वक्त मौजूद थे। मुकम्मल कुरान अपनी असली हालत पे रहेगा, उस शख्स ने इस तरह का डिमांड करके और इस तरह का बेहुदा बयान देकर करोड़ों कुरान के मानने वाले मुसलमानों का दिल दुखाया है और हमारे मुल्क के अमन शांति भाईचारगी को खतरा लाहिक कर दिया है। हम पुरजोर अल्फाज में उस वसीम रिजवी के इन नापाक हरकतों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। सारे बेलगाम के उलमा अहले सुन्नत और जमात अहले सुन्नत के जिम्मेदारान की तरफ से ये हम मुतालबा और डिमांड हमने मेमोरेंडम की शक्ल में डिप्टी कमिश्नर ऑफ बेलगाम के ज़रिए हुकूमत हिंद को दिया है कि उस जालिम शख्स जिसने हमारे यहाँ के अमन व शांति, पीस और भाईचारगी के माहौल को ख़राब करके फितना फसाद बरपा करने की कोशिश की है, हुकूमत हिंद और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में सख्त कदम उठाए और उस शख्स को गिरफ्तार करके उसको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और सख्त से सख्त उसको सजा दी जाए। इन बातों का हम मुतालबा हुकूमत हिंद से करते हैं। वसीम रिजवी पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए टीपू सुल्तान संघर्ष समिति ने सख्त कार्रवाई की मांग की। डीसी बेलगाम को मुतालबा पेश करते हुए कहा कि कुरान के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना मुसलमान गवारा नहीं समझता, लिहाजा साबिक शिया व बोर्ड चेयरमैन वसीम रिजवी को फांसी की सजा दी जाए, ऐसा मुतालबा किया गया। इस वक्त टीपू सुल्तान समिति के आरिफ कटगरी, फजल खान पठान, वसीम व्यापारी और दिगर TSS के कारकुनान शरीक रहे। आप लोग सभी जानते हैं कि माँ बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ताल्लुक से जो है उनकी शान में गुस्ताखी किया था, लेकिन इस बार अपने सियासी आकाओं को बिलखसूस RSS और BJP को खुश करने के लिए ये मलून शख्स ने जो है कुरान के ऊपर उंगली उठाया है, इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं TSS की जानिब से। हजरत, आप लोग जानते हैं कि कुरान जो है सारे आलम के लिए एक मशाल राह है, सारे आलम के लिए जो है दीन और दुनिया गुजारने का तरीक़ेकार है, लेकिन अफसोस इस बात का है इस मलून शख्स ने जो है कुरान पर उंगली उठाते हुए ये कहा है कि उसमें 26 आयतें ऐसे हैं नौज़ बिल्ला जो जहाद को फ़रोग देते हैं। लेकिन मैं हुकूमत हिंद से मुतालबा करता हूँ इस बात का कि आप कौन सा हिंदुस्तान चाहते हैं। आज टीपू सुल्तान संघर्ष समिति के जानिब से जो है वसीम रिजवी नामक दरिंदा, शैतान, गंदी नाली का कीड़ा
और जो है आरएसएस का दल्ला, इसके खिलाफ में जो है हम लोग एक मेमोरेंडम दिए हैं। क्यों? कि उसने जो है कुरान के 26 आयतें खारिज करना बोल के सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया है। इसके लिए जो है हम लोग डीसी साहब के ज़रिए से ऐसे दरिंदे को, ऐसे डरनेच के कीड़े को जो है फांसी की सज़ा सुनाना, ये सिलसिले में जो है हम लोग डीसी साहब को जो है मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं। आखिर बेलगाम लोकसभा जमीनी इंतखाबात का ऐलान हो ही गया। वैसे भी इसके बाद कॉर्पोरेशन इंतखाबात होने हैं, लिहाजा कईयों का लोकसभा चुनाव का इंतजार था। इलेक्शन कमीशन ऐलान करते हुए 17 अप्रैल को लोकसभा बेलगाम के साथ बसों कल्याण और मस्की बाय इलेक्शन 17 अप्रैल को होंगे और 2 मई को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। उम्मीदवारी दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख 30 मार्च, अर्ज पीछे लेने की तारीख 3 अप्रैल होगी। तमाम चुनाव ईवीएम के जरिए किए जाएंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।